मेरा नाम अक्षय है, मैं सातारा से हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। आगे मैं एक नया वीडियो लेके जो 6 महीने का रिजल्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का, जो कि मैं आप लोगों को आज पूरी डिटेल्स उनकी देने वाला हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने मेरे रेफरेंस से ही करवाया था और मैं रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा और कैसा रिजल्ट आया कंघी करके दिखाऊंगा। और उन्होंने खुद एक पेशेंट को रेफरेंस दिया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और वो उनके साथ आए थे। तब मैं एक मौका मिला मुझे कि उनका रिजल्ट का एक वीडियो बना सकूँ और उनकी बातें आपको सुना सकूँ। तो उनका खुद का रिजल्ट देखेंगे कि कैसा आया है, उनके खुद की मुंह जुबानी सुनेगा और रिजल्ट आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो। और जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जो गंजेपन के शिकार है, जो बॉल्डनेस के शिकार है, जिनको आगे चल के लाइफ में कुछ करना है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और मुझे करीब 2 साल से ऊपर हो गए हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए। अगर आप भी चाहते कि आपको भी एक अच्छा क्लिनिक मिले, सस्ता क्लिनिक मिले और आप भी एक अच्छे घने बालों के मालिक हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इनके बॉल्डनेस की तरफ, जो कि ये रहा, तो बिफोर से इनका स्टार्ट करते कि इनका बॉल्डनेस कैसा है वो आपके स्क्रीन पर जो कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों। फ्रंट में दोनों कॉर्नर थोड़े पीछे पीछे चले गए और ऊपर जहाँ पर हैंड रखा गया है वहाँ के बाल भी पतले हो चुके हैं। आपको मैं दिखाऊं तो ये जो मार्किंग की गई है उतने में बाल इनके काफ़ी पतले हो चुके हैं, कोई मजबूती नहीं है, इसलिए वो एरिया भी कवर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो आपके अगर ऊपर के भी बाल कमज़ोर हो चुके होंगे, पतले हो चुके होंगे, तो आप ग्राफ्टिंग ज़रूर करवाइएगा क्योंकि वो रिफिलिंग हो जाता है, तो इन फ्यूचर बाल झड़ने के ऑप्शंस नहीं होते। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनका हेयरलाइंस डिज़ाइन किया गया है, जितना इनको मोटी डेंसिटी चाहिए थी उतनी में हेयरलाइंस पूरी डिज़ाइन की गई है। और इनका फोर फिंगर छोड़ के इनका जो मार्किंग की गई है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। दोस्तों मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। इनका आफ्टर सर्जरी कैसा ट्रांसप्लांट हुआ वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, डेंसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। 2000 ग्राफ्ट लगे हैं इनको और 2000 ग्राफ्ट में देखिए कितना सारा एरिया कवर किया गया। जैसे मैंने बोला था कि इनका बॉल्डनेस थोड़ा ऊपर भी है तो ऊपर तक रिफिलिंग की गई थी, ऊपर तो बाल इनके थे लेकिन ऑलरेडी ग्राफ्ट लगा दिए गए हैं। इन फ्यूचर वो बाल झड़ भी जाए तब भी ये ग्राफ्ट, लगे हुए ग्राफ्ट फ़ायदा दे इनको और बहुत अच्छे तरीके से इनका रिज़ल्ट आए। आगे रिज़ल्ट आप देखेंगे, लास्ट 8 मिनट का वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मेरे हिसाब से इतना अच्छा रिज़ल्ट आपने देखा नहीं होगा क्योंकि इनका जिगजैग पैटर्न बनाया गया था और जिगजैग का जो कमाल है आपको इन फ्यूचर रिज़ल्ट पे दिखता है, तो वो आगे आपको रिज़ल्ट में दिखेगा। बहुत अच्छी तरीके से इनकी ग्राफ्टिंग हुई थी और बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांट किया गया। रिव्यू सुनते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट इनको कैसा लगा था। मैं सातारा से हूँ। मुझे भूपेंद्र के वीडियो देखकर मुझे पता चला कि ऐसा सर्जरी ट्रांसप्लांट होता है, तब मैंने कॉल किया, जो नंबर उस वीडियो में रहता है उधर मैंने कॉल किया, तो मैडम ने सब प्रोसेस बता दी मुझे, जो भी प्रोसेस थी। तो पहले बुक करनी पड़ती है डेट, आपको पूरा दिन आपके लिए रिजर्व रहता है वो, तो मैंने डेट बुक की। आज डेट थी मेरी, तो पूरा चेकअप किया पहले डॉक्टर ने आके, तो मुझे समझ दिया कि कितने ग्राफ्स लगने वाले हैं, कैसे प्रोसीजर रहती है, क्या क्या करना पड़ता है, तो उस हिसाब से डॉक्टर ने अच्छे से ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो दोस्तों आते हैं इनके रिजल्ट की तरफ। 6 मंथ का रिजल्ट है, अभी सिर्फ 60% ही इनका रिजल्ट आया और आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर उनका रिज़ल्ट मैं शो कर रहा हूँ। ऊपर से भी लाइट है, आजू बाजू से भी लाइट है, पूरी लाइटिंग के साथ मैं रिज़ल्ट शो कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि भाई पूरा लाइट में दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऊपर करके, तो जहाँ जहाँ ग्राफ्टिंग हो चुकी है आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से पैटर्न जो जिगजैग बनाए गए थे
वो पूरा आ चुका है। पूरा फाइनली मैं पूरा नहीं भी बोल सकता क्योंकि 50-60% इनका रिज़ल्ट है, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। जितना अच्छा हो सके इनको रिज़ल्ट मिलेगा और इनका आफ्टर ट्रांसप्लांट जो इनका रिव्यू है, रिज़ल्ट में रिव्यू है, वो भी आप सुन लीजिए। मेरा नाम अक्षय है, मेरा 6 महीने का ये रिज़ल्ट है। मेरे दोस्त का हेयर ट्रांसप्लांट था तो मैं आज उसके साथ आया था। मेरा रिज़ल्ट देख के ही उसने ट्रांसप्लांट करने का सोचा है, तो मेरा ये पूरा रिज़ल्ट है। मेरी पहली वीडियो भी है यूट्यूब पे। ये रिज़ल्ट से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ और अभी डॉक्टर ने भी बताया कि अभी थोड़ा रिज़ल्ट मतलब इससे डबल आएगा। नहीं लगता दोस्तों कि कोई भी अदर क्लिनिक आपको इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट दे सकती है। 15 रुपये पर ग्राफ्ट में ओनली 30,000 रुपये इनका खर्चा आया था और अभी रिज़ल्ट इनका पूरा बाकी ही है। तो आप भी इतने अच्छे डॉक्टर की टीम होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर, डर्मेट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए क्योंकि मैंने भी इसी टीम से, इसी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इतने अच्छे अच्छे रिज़ल्ट इसीलिए लेके आ पाता हूँ क्योंकि ये डॉक्टर की टीम का कमाल होता है कि इतना अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं और इतने अच्छी तरीके से इनको रिज़ल्ट मिलता है। किसी दूसरे की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इन्होंने कोई गोलियाँ या फिर PRP मेडिसिन नहीं ली है, एकदम इनका नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट है। आप डोनर एरिया भी देख सकते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट जब रिज़ल्ट आ जाता है तो डोनर एरिया पे ग्राफ्ट कम दिखने लगते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इतने अच्छे डॉक्टर ने जैसे ही ग्राफ्ट जितने ज़रूरत होते हैं उतने ही ग्राफ्ट निकालते हैं और एकदम नेचुरल लगता है। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आप भी पास, तो देखते रहिए और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों ये रही पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, क्लिनिक का नंबर दिया हुआ है, मेरा खुद का नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। मैं बाकी आप लोगों के लिए हर मंगलवार शुक्रवार वीडियो लेके आता रहता हूँ। जेन्युइन बातें हैं दोस्तों, इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है, ना गोलियाँ ली, ना PRP ली, ना मेडिसिन, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, एकदम नेचुरल इनका 6 मंथ का रिजल्ट है। महीनों दर महीनों इनका रिजल्ट और बढ़ता जाएगा जैसे इन्होंने कहा, वैसे ही जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं दोस्तों रिजल्ट उतना अच्छा आते जाते हैं। एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ से रिजल्ट स्टार्ट होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जितना आप समय देंगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हर मंगलवार और शुक्रवार मैं वीडियो लेके आता हूं दोस्तों। तो इस कोरोना काल में आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए और अपना ध्यान रखिए। चल दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नई बातें करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जय हिंद।